Experiments show that frequency nu of a tuning fork depends upon the length L of the pipe of the prong. So frequency jo hai depends on the length L, density D, Young modulus Y of its material. From dimension considerations, find a relation between the frequency of the tuning fork. All these relations jo hai. Now, हमें सबका पता है फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन होता है, लेंथ एक्स होता है, डेंसिटी होता है डी, क्या है डेंसिटी एम एल माइनस थ्री वाई, और यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की होती है, ठीक है. तो यंग मॉडुलस की प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर. सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू एन जेड. सो टी पावर माइनस वन इज एल, पहले एम ले लो ऑर्डर में, वाई प्लस जेड, देन एल एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड, और टी माइनस टू जेड. तो एल हो गया, एम हो गया, वाई प्लस जेड नॉट स्टार्ट. वाई प्लस जेड इज जीरो बिकॉज यहाँ एम है नहीं, एंड एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज जीरो, एंड माइनस टू जेड इज माइनस वन. तो जेड आ जाएगा वन बाई टू, ऐसे में वाई आ जाएगा माइनस वन बाई टू. तो एक्स थ्री माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन. सो नाउ वी हैव टू पुट इट हियर, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एल पावर माइनस वन, एंड वाई इज माइनस टू माइनस वन बाय टू, एंड यंग मॉडुलस इज वन बाय टू. सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी वन अपॉन एल स्क्वायर रूट लेके यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी डी. सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू के बाय एल स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाय डी. That is the final answer.